आज बिटकॉइन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है आज के टाइम में, उसका नाम है इथेरियम। क्या है इथेरियम, क्यों ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, एंड क्या ये हमें बेनिफिट दे सकती है आने वाले टाइम के अंदर, क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, फुल डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड अगर आप भी क्रिप्टो फील्ड से एक पैसिव इनकम हर मंथ यहाँ पर जनरेट करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें इथेरियम क्या है, तो इथेरियम में क्रिप्टो करेंसी नहीं है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। ऑल ओवर वर्ल्ड के जो यूजर्स हैं वो इनका प्लेटफॉर्म यूज करके जो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो बिल्ड कर सकते हैं, एंड ये जो एप्लीकेशन होती हैं ये यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड वे में वर्क करती हैं। अगर बात करें बिटकॉइन के बारे में तो बिटकॉइन हमारी फर्स्ट जनरेशन क्रिप्टो करेंसी है जिसने मनी को यहाँ पर डिसेंट्रलाइज किया है। जहाँ पर हम देखते थे पहले बैंक्स जो है वो यहाँ पर वर्क करती थी, जहाँ पर हम मनी को सेंड एंड रिसीव करते थे, अब उस बैंक्स जो कि यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड होती थी उनको एलिमिनेट करके मनी का जो सेंड एंड रिसीविंग का प्रोसेस है उसको यहाँ पर डिसेंट्रलाइज किया है। सो जब इथेरियम यहाँ पर आया है, इथेरियम क्या करता है, जो भी एप्लीकेशन है जैसे आज के टाइम यहाँ पर फेसबुक वर्क कर रहा है वो एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। सो उस एप्लीकेशन को यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वे में वर्क कराने के लिए जो इथेरियम है वो अपना प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन सिस्टम है जो कि यहाँ पर फीचर करता है अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है ईथर या फिर ETH। अब ETH जो है वो यहाँ पर किस लिए वर्क करता है, तो ये बेसिकली यहाँ पर वर्क करता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर न्यू टर्म ऐड हुआ है ये क्या चीज होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप सुनते होंगे क्रिप्टो फील्ड के अंदर काफी ज्यादा ये टर्म जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जैसे कि हम दो पार्टीज के बीच में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या डिफरेंस है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर, तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये यहाँ पर एक डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है जिसका नाम है सॉलिडिटी। जस्ट लाइक जावा लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उसी तरीके से हम सॉलिडिटी लैंग्वेज को यूज करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को राइट करने के लिए। अब ये स्मार्ट वर्ड यहाँ पर कैसे ऐड हुआ, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सेल्फ यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर किसी की नीड नहीं होती है, जो भी कंडीशन आप इफ एंड देन के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पर सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पर फूड ऑर्डर किया है एंड आपने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि इफ मेरा जो फूड है वो यहाँ पर 10 मिनट्स लेट होता है तो यहाँ पर जो मैं मनी मुझे पे करना है, जो बिल मुझे पे करना है उसमें से 10% जो है वो मैं यहाँ पर डिडक्ट कर लूंगा, एंड इफ अगर मेरा जो फूड है वो 20 मिनट्स लेट होता है तो 20% जो मनी है वो मैं यहाँ पर डिडक्ट कर लूंगा। इस तरीके से जो आप इफ एंड देन के बीच में कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाती हैं। सो इस तरीके से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर वर्क करता है। अगर बात करें 2013 के अंदर जो विटलिक बुटेन है जो कि फाउंडर है इथेरियम के, उन्होंने यहाँ पर जो इथेरियम का व्हाइट पेपर है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। फिलहाल के अंदर जो इथेरियम था यहाँ पर अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर यहाँ पर वर्क कर रहा था, बट हाल ही के अंदर इथेरियम को शिफ्ट किया गया है प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर, जहाँ पर आप जा करके जो इथेरियम की स्टेकिंग है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये जो इथेरियम नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड हुआ है, इथेरियम प्लेटफॉर्म बेसिकली जो यहाँ पर वर्क करता है, इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन का इशू आता है, जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, हाई थ्रोपुट का इशू आता है, स्केलेबिलिटी का इशू आता है। इन सारे इश्यूज को यहाँ पर ओवरकम करने के लिए, मींस उनको सॉल्व करने के लिए, इथेरियम नेटवर्क को यहाँ पर बेटर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेडेशन यहाँ पर प्लान किया है इथेरियम की टीम ने, जिसका नाम है इथेरियम 2.0। एंड ये जो अपग्रेडेशन है यहाँ पर इथेरियम नेटवर्क के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपग्रेडेशन है, एंड यहाँ पर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इस अपग्रेडेशन के बाद जो इथेरियम है उसके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रही हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, एंड एक तरीके से जो इथेरियम है वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इथेरियम क्रिप्टो करेंसी ETH के बारे में, तो करंटली यहाँ पर चल रहा है $1800 के अराउंड पर, ये लास्ट मंथ ही यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई जो है वो हिट किया है जो कि है $4300 के अराउंड पर। बात करें इसकी मार्केट कैप की तो वो है $213 बिलियन की, सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर है 116 मिलियन की। ऐसे में मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगता है इथेरियम। इथेरियम को मैं आप लोगों को तब से यहाँ पर रिकमेंड करती हुई आ रही हूँ जब इसका प्राइस था अराउंड $150 $200 के अराउंड पर। जो लोग भी मुझे यहाँ पर फॉलो किए होंगे उन्होंने इथेरियम
इथेरियम से काफी इमेंस जो बेनिफिट है वो यहाँ पर गेन किया होगा। काफी सारे एक्सपर्ट की ये ओपिनियन यहाँ पर कि इथेरियम आने वाले टाइम के अंदर हमें $10,000 पर भी देखने के लिए मिल सकता है। पर बात करूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन के बारे में तो डेफिनेटली इथेरियम का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर ब्राइट है एंड मुझे लगता है एंड ऑफ 2021 तक हम इथेरियम को इजिली यहाँ पर $7,000 से लेकर $8,000 के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इथेरियम का मच अवेटेड जो नेटवर्क अपग्रेडेशन है इथेरियम 2.0 वो यहाँ पर आने वाला है। डीफाई स्पेस की वजह से भी इथेरियम की हाइप जो है वो काफी ज्यादा मार्केट के अंदर क्रिएटेड है। आपकी ओपिनियन क्या है इथेरियम के बारे में, आपकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या है इथेरियम को लेकर 2021 एंडिंग तक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करता है आप लोग के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आने के लिए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन जरूर हो जाएगा, क्योंकि जो भी क्रिप्टो की रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट होती है आप लोग के साथ सबसे पहले मैं वहीं पर शेयर करती हूँ। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करेंगे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज मैं आप लोग लाती रहती हूँ, जो कि उम्मीद करती हूँ आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।